हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और प्रभु ने समय दिया ताकि उसके नाम की महिमा कर सकें। आइए प्रभु के वचन में हम जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज मैं कुछ और नई बातें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मरकुस उसका दूसरा अध्याय है, और उसके 13 पद में लिखा है, फिर वो निकल कर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया और वो उसके घर में भोजन करने बैठा। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो चुंगी लेने वाला है। आप समझे, चुंगी लेने वालों को अच्छा नहीं समझते। और चुंगी लेने वाले क्या होते हैं, वो मनमाना कर वसूल करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है चौकी पे बैठा हुआ है, और इसका नाम है मती, हम देखेंगे क्योंकि मती इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए लिखा, वो उठकर उसके पीछे हो लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले। और लिखा है, और वो उसके घर में भोजन करने बैठा। प्रभु यीशु मसीह रास्ते में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, और वो पीछे हो लेता है। और देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके घर में भोजन करने बैठते हैं, और जब यीशु मसीह भोजन करने बैठते हैं तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले भी उसके साथ बैठते हैं। और लिखा है बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के साथ बैठते हैं। तो जब यीशु मसीह के साथ भोजन को बैठे ये लोग और उसके पीछे हो लिए थे, तो देखिए शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा। उन्होंने जब ये देखा कि प्रभु यीशु के साथ पापी और चुंगी लेने वाले बैठते हैं और यीशु उनके साथ खाना खाता है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। देखिए प्रभु यीशु के चेलों से ये जो शास्त्रीय फरीसी क्या बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु तुम्हारा प्रभु तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर खाता और पीता है। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। देखो जो बीमार नहीं है उसे डॉक्टरी जरूरत नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, परंतु बीमारों को है। इसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अगर हम लोग समझते हैं हम बहुत धर्मी हैं, है ना, तो सोचिए हम धर्मी नहीं हैं, परंतु परमेश्वर पवित्र है और हम पवित्र बनना चाहिए। लेकिन पवित्र बनेंगे कैसे, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें क्षमा नहीं मिलेगी, तो हम कैसे शुद्ध पवित्र हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। जो ये समझते शास्त्री फरीसी कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो मंदिर में सेवा करते हैं, है ना, इज़राइल में जो मंदिर है परमेश्वर का, है ना, उसमें सेवा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर ये कैसा गुरु है, ये कैसा प्रभु है कि ये तो पापियों के साथ खाता है। क्योंकि जो धर्म गुरु होते हैं, जो शास्त्री होते हैं, वो ऐसे लोगों को जो पापी समझते हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन देखिए प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया, पापियों को बचाने आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बीमार है उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रभु यीशु मसीह एक वैद्य बनकर आया उनके लिए जो बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य लेकर आया, चंगाई लेकर आया, छुटकारा लेकर आया, उद्धार लेकर आया उनके लिए जो पापी है। और बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर व्यक्ति ने पाप किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी क्यों ना हो, बाइबल बताती है सबने पाप किया। तो परमेश्वर की दृष्टि में सब पापी है, परमेश्वर दृष्टि में, क्योंकि पाप की जो बीमारी है वो बाहर शरीर में नहीं होती, परंतु वो अंदर आत्मा में होती है, हमारे अंदर होती है, विवेक में होती है, दिल में होती है, है ना। मनुष्य मन में जो कुछ सोचता है, जो कुछ अंदर से निकालता है, वही तो उसे अशुद्ध करता है, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य मन से बुरी बुरी बातें निकालते हैं, है ना, बुरी बुरी गंदी बातें निकालते हैं और बुरे बुरे काम करते हैं, वही तो पाप है। और उससे भी बढ़कर है कि पैदा ही पाप में हुए हैं, तो इसलिए पापी है। तो जन्म से हम पापी हैं मनुष्य लोग, बाइबल हमको बताती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं
धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ परंतु मैं पापियों के लिए। अगर हम समझते हैं हम धर्मी हैं तो समझ लिए प्रभु यीशु हमारे लिए नहीं आए, परंतु उद्धार की आवश्यकता हर पापी को है। तो जो भी पापी यीशु के पास आता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं और उसे नई जिंदगी देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। तो देखिए चुंगी लेने वाला ये जो मत्ती था, प्रभु यीशु मसीह ने इसके घर में गए और प्रभु यीशु मसीह जाकर वहाँ पर खाया पिया। और देखिए उसकी पीने का मतलब यहाँ पर शराब का नहीं है, कई लोग समझते हैं कि यीशु मसीह जो पीता है मतलब वो पीने वाला, वो पीना नहीं है, परंतु खाने का पीना जो होता है दाखर चलता है वहाँ पर, तो खाते पीते लोग साथ में है ना, तो वो क्या समझते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ खाता पीता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे घर में जाता, देखिए ये जो मत्ती है ये प्रभु यीशु मसीह का एक चेला बन जाता है, ये मत्ती यीशु मसीह के साथ आ जाता है और यीशु मसीह के शागिर्दों में इसकी गिनती होती है, एक डिसाइपल यीशु का बन जाता है, सब कुछ छोड़ता है। जैसे यीशु मसीह कहते मेरे पीछे बोले, वो देखिए अपने चुंगी के स्थान को छोड़ता है, अपने उस स्थान को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। आमीन। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो भी अपने आप को पापी समझते हैं है ना, वो यीशु के पास आए, धर्मियों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जो संसार में अपने आप को धर्मी समझते हैं पर धर्मी है नहीं, अंदर से परमेश्वर जानता है, अंतरात्मा को परमेश्वर जानता है ना। बहुत से लोग क्या है ना, ऊपर से धर्मी दिखाई देते हैं पर अंदर से कपट भरा होता है ना। आपने बहुत देखा होगा बहुत से लोग क्या बहुत अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, लेकिन बाद में उनके जब काम खुलते हैं, उनके बारे में जब चर्चा होती है, वो कितने ज़्यादा बुरे होते हैं, कितने उनके कांड हो जाते हैं, है ना। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हमको जांचता है, परमेश्वर हमको देखता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो देखिए सबसे पहले यीशु मसीह पाप की बीमारी से हमें चंगा करते हैं, क्योंकि पाप हमारे अंदर होता है, हमारे विवेक में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में होता है। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस संसार में, और देखिए प्रभु यीशु ने पापियों क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए कुर्बान होने के लिए आया है ना, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना ताकि हमें क्षमा मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए। जब हम मरेंगे इस दुनिया से जाएंगे तो देखिए मुक्ति पाकर जाएंगे तो परमेश्वर में ग्रहण करेगा, यीशु मसीह में ग्रहण करेगा, लेकिन हम पाप में ही मरेंगे तो सोचिए फिर हम कहाँ जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने और आऊँगा तो मैं वहाँ ले जाऊँगा। तो यीशु मसीह ने वायदा किया कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, पापी को जीवन दान देते हैं, पापी को क्षमा देते हैं, उद्धार करते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देते हैं। आमीन। तो यदि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो यीशु हमारे लिए नहीं आया, लेकिन अगर हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, हम अपने जीवन को जांच के देखें कि हमने पाप किए नहीं किए, और नहीं भी किए तो हम माता के गर्भ से पाप में जन्मे हैं, तो हम जन्म से ही पापी हैं, तो हमको उद्धार की आवश्यकता है, हमको जीवन की आवश्यकता है। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ का मतलब ये वैसा बोझ नहीं है, परंतु ये बोझ है पाप का बोझ, जो गठरी हमारी पाप की बंधी हुई है ना। जब हम मरेंगे वो पाप की गठरी भी साथ जाएगी, हमारे काम भी साथ जाएंगे, परमेश्वर हमारे कामों का न्याय करेगा, परमेश्वर हमारे कामों को देखेगा। तो अगर हम पाप में साथ जी रहे, पाप में चल रहे हैं, तो सोचिए फिर हमारा उद्धार नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह के यहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को क्षमा मांगते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उससे कहते हैं प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए जीवन, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जीवन दिया है, वो क्रूस पर मरा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों यीशु मसीह को मृत्यु ना रख पाई, क्यों यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, तोड़ दिया उसे मृत्यु के डंग को, तोड़ दिया पाप है ना। यीशु मसीह ने मृत्यु का डंग जो पाप है उसे तोड़ दिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु ने आकर उसी डंग को तोड़ दिया, क्योंकि वह पापी नहीं था, वो कुंवारी से पैदा हुआ,
अगर वो भी मनुष्य की संतान होता, मनुष्य से पैदा होता, इंसान से पैदा होता, तो देखिए उसमें भी पाप होता, लहू में पाप होता, उसके जन्मजात वो भी पापी होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक कुआरी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि मरियम जो कुआरी थी गर्भवती हुई, और देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा इस दुनिया में आए, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, है ना, पापियों को राह दिखाई, पापियों को क्षमा किया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो देखो हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में क्षमा मिलती है, हमारे जीवन में शांति मिलती है, हमारे जीवन में स्वर्गीय जीवन मिलता, अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हालेलुया। तो हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें तो प्रभु हम पर दया करता है। और कुछ नहीं करना, हमें प्रभु के पास मन फिराने की आवश्यकता है। जब हमें यह एहसास होता है मैंने गलत काम किया, मैं पापी हूँ, है ना, मुझे उद्धार चाहिए, जब मैं मरूँगा तो कहाँ जाऊँगा, उस समय पर एक ही सवाल होता है और एक ही जवाब होता है। सवाल ये कहाँ जाएंगे, जवाब ये कि यीशु मसीह से क्षमा पाई तो यीशु मसीह के पास जाएंगे। तो बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की।